दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीडी फ्रिडिश को लेकर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी के लिए डीडी फ्रिडिश की ओर से एक चैनल में बदलाव किया गया है। बदलाव इस तरह से हुआ है कि चैनल का नंबर बदल दिया गया है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में ये भी सवाल उठने लगे हो कि भाई, ये जो चैनल है वो शायद कहीं हमारे लिए बंद तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चैनल नंबर बदला है तो अगर आप उस चैनल को देखने जाएंगे तो पुराने चैनल नंबर पर ही जाएंगे, और जब वहां पर देखेंगे तो आपको कलर बार्स मिलेंगे, तो आप सोचेंगे ही कि भाई चैनल अचानक से बंद हो गया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है, चैनल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि चैनल को शिफ्ट किया गया है। क्यों किया गया है उसके बारे में भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए इस वीडियो में आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि डीडी फ्रीडिश ही नहीं, हम सभी तरह के डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और केबल टीवीज के बारे में भी यहां पर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, डीडी फ्रीडिश की ओर से हुआ ये है कि रशिया टुडे, जो कि आपके लिए एक इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज चैनल है, वो चैनल नंबर 94 पर आपको देखने को मिल रहा था। यानी कि जैसे कि शुरू से ही अप्रैल के महीने से ही चैनल की जो अलॉटमेंट थी वो 94 नंबर ही इसको मिला था, लेकिन मेरे ख्याल से रशिया टुडे की ओर से कुछ अच्छी खासी जो फीस है वो शायद डीडी फ्रीडिश को पे कर दी गई है। और डीडी फ्रीडिश ने भी देखा है कि भाई, जो हमारा एक खाली स्लॉट बना हुआ है काफी समय से, जिसको हम टेस्ट 407, जी हाँ टेस्ट 407 के नाम से देखते आ रहे हैं, जहां पे हमारे लिए कुछ समय पहले तक पीआर टीवी के नाम से एक तमिल चैनल जो है लॉन्च किया गया था, वो हमारे लिए बंद हो गया। और उसके बाद डीडी फ्रीडिश की ओर से ई ऑप्शन भी रखी गई, लेकिन वो भी विफल हो गई, किसी भी चैनल ने हिस्सा नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वो जो स्लॉट है वो काफी समय से कलर बार्स ही दिखा रहा था। तो यहाँ पर हुआ यह है कि रशिया टुडे की ओर से डीडी फ्रीडिश को कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो की गई है चैनल नंबर को आगे देने के लिए। और डीडी फ्रीडिश ने भी रियलाइज किया है कि भाई, चैनल जो किसी ने पार्टिसिपेट तो किया नहीं, तो क्यों ना हम जो है थोड़े से पैसे लेकर अपना जो चैनल नंबर है वो इनका चेंज कर दें। तो रशिया टुडे की ओर से कुछ पेमेंट फीस लेकर रशिया टुडे को जो है आपके लिए 94 चैनल नंबर से शिफ्ट करके टेस्ट 407 पर ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको अब रशिया टुडे चैनल को देखना है, तो रशिया टुडे को देखने के लिए मैंने सामने जो आपको चैनल नंबर दिखाया है यही चैनल नंबर पर आपको ट्यून करना होगा, या फिर सिंपली आप टेस्ट 407 पर जाएंगे तो वहां पर आप रशिया टुडे चैनल को देख पाएंगे। और जहां पर आपके लिए 94 नंबर पर रशिया टुडे अवेलेबल था, वहां पर आपके लिए टेस्ट 520 को रिप्लेस कर दिया गया है, और वहां पर आपके लिए कलर बार्स को ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, ये कुछ चेंजेस हुई है डीडी फ्रीडिश की ओर से, कुछ फीस लेकर, कुछ पेमेंट लेकर रशिया टुडे को थोड़ा सा आगे कर दिया गया है, और आपके लिए रशिया टुडे चैनल नंबर चेंज कर दिया गया है। आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहे हो, या किसी और विषय पर आप वीडियो बनवा कर देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।